हेलो एवरीवन, ये लाई हूँ मैं छोटी सी वीडियो है जो हमारे सूरज कुंड मेले की। और ये हम गए थे कल संडे को, 19 फरवरी को, जो ये लास्ट डे था। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और ये देखिए, यहाँ पर बहुत रास्ता, और जो हम मेन गेट से अंदर आ चुके हैं, जहाँ पर टिकट लिए हैं हमने, और टिकट हमें सस्ती मिल गई। वो कैसे वो बताती हूँ मैं। टिकट थी 180 रुपये की, और यहाँ पर दो लड़के मिल गए जिनके पास थे पास, तो पास हमें मिल गए 100 रुपये में। तो हमें 180 की जगह हमें टिकट पड़ी है सिर्फ 100 की। तो ऐसे हमने टिकट ले ली है यहाँ पे। और ये जहाँ पे चेकिंग होती है टिकट की, ये वो एंट्री गेट है। तो यहाँ पे लेडीज की अलग लाइन थी और जेंट्स की अलग थी। तो हम चेक करा के अंदर आ चुके हैं, और हम मतलब अंबिका के भाइयों का वेट कर रहे हैं। और ये अंबिका अंबिका के पापा हैं, और मैं इसमें आपको दिखाई नहीं दूंगी क्योंकि जो कैमरा था वो मेरे हाथ में थे। और ये देखिए, ये भैया के पास है मैजिक क्लॉथ जो शूज़ क्लीन करने के काम आता है, और ये 150 रुपये के दो थे, ठीक था। तो अब हम देखिए, तो उसके भाई भी आ चुके हैं, तो हम देखिए साइडों में देखिए। और यहाँ पर देखिए, ये है जहाँ पे टैडी बैग वगैरह सब कुछ बिक रहा है बच्चों का। या कुछ भी लीजिए आप, ओनली 100 रुपीज़ में था, तो काफ़ी अच्छा था ये, बट जिसके छोटे बच्चे उनके लिए सही था। तो हमारे मतलब को यहाँ पर कुछ भी नहीं था, इसलिए हमने कुछ भी नहीं लिया। बट देखते हैं आप कितना बड़ा है, काफ़ी सामान है इनके पास। और इसके बाद देखिए आप भीड़ देखिए। और ये हैं कुछ मिट्टी के बर्तन, तो इसमें से मुझे अच्छा लगा तवा जो मैंने लिया 100 रुपीज़ का, जो मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी, तो यहाँ पर मुझे मिला। तो और मुझे कुछ खास नहीं लगा इसमें, क्योंकि कुकर भी इनके पास, कुकर भी था, कुकर महंगा था थोड़ा, 2,500 रुपये का था, तो मैंने नहीं लिया। फिर मुझे कुछ खास नहीं लगा। तो ये देखिए मेरे पैक कर रहे हैं। इसके बाद देखिए, फिर एक जो बड़ी जो बाद में आई, इनके पास काफ़ी सामान था। और यहाँ पे क्या होता है, ये हैंडक्राफ्ट सामान होता है जो हाथों से बनाया जाता है। और यहाँ पर एक बात अच्छी लगती है मुझे, यहाँ पे दूसरे स्टेट के और ये मतलब दूसरे कंट्री के भी लोग होते हैं। जैसे आपने देखा भी राजस्थान का था वो। और ये देखिए, ये एक है सेल्फी बोलेंगे, जो ये इसके इनके साथ मतलब खड़े होकर सेल्फी ले रहे थे। और ये भी फ्री में नहीं थे, इनकी भी टिकट थी कि आप सेल्फी इनके साथ लोगे तो इनकी टिकट है। तो मैं देखिए, मैं थोड़ा आगे से दिखाती हूँ फ्रंट से। ये आप देख रहे हो, इनके हाथ में पैसे भी लगे हुए हैं। तो मैंने इनसे पूछा नहीं भाई, झूठ के बोलूँ मैं कि कितने में क्या है। और ये देखिए, ये आपकी स्केचिंग है, जो स्केच करके जो फोटो बनाती है, ये कुछ उस टाइप से है। और ये आ गया है हमारा फूड स्टॉल। यहाँ पर भी अलग अलग राज्य के फूड थे। खाने का व्यवस्था आप खा सकते हो, जिस राज्य से है, बिहार का, राजस्थान का। तो हमने यहाँ पर एक राजस्थानी थाली ली, जो थाली थी 300 की, और उसके अंदर सिर्फ दो रोटियाँ थी, दो सब्जी थी, दो चटनी थी और एक दाल बाटी थी। तो सही था खाना, बट मुझे क्या थोड़ा स्पाइसी पसंद है, इसलिए मुझे कम पसंद आया। और यहाँ पे खाना बहुत था, काफ़ी जगह में था, और इतना बड़ा था यार, समझ में नहीं आ रही थी कहाँ से हमने शुरू किया, कहाँ पे ख़त्म हुआ, मतलब कहीं भी मुड़ जाओ बस बहुत बहुत बड़ा। मुझे तो तुम्हें तो कर रही है अभी मारे मारे ना। यहाँ से हम जा चुके हैं, जा चुके हैं हम यहाँ से। नहीं सर, क्या भाई भाई, भाई। हाँ और क्या। और देखो, हम लोग खाना खा के आ चुके हैं, और यहाँ पर क्या है,